ऑलराइट सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हम आपको देख रहे हैं, मतलब पूरे लॉकडाउन के पीरियड में हमने आपको देखा, जहाँ पर पूरी दुनिया घर में थी, आप जो है अपना काम बखूबी से कर रहे थे, अभी भी आप कर रहे हैं, तो बताइए सर जरा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, और आज भी हम देख रहे हैं कि आप सॉन्ग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ओवरऑल कैसा रहा सर एक्सपीरियंस सर आज के नंदलाला जी का जो आप गाना कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आपने अभी जो हमने सुना, कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? बहुत अच्छी सिंगर कंपोज़र हैं कंचन किरण मिश्रा, लखनऊ की, और हमारी स्टूडेंट भी हैं, तो उन्होंने कुछ गाने कंपोज़ किए हैं, लिखे भी हैं, तो मैं वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 8 गाने रिकॉर्ड किए उनके, आज 3 किए, 3 दिन पहले 5 किए थे तो हो गए, और आज इस रिकॉर्डिंग से पहले भी एक रिकॉर्डिंग की थी, 2 गाने वहाँ गा के आए थे, उस बीच में एक जाके मीटिंग भी कराए अपने संतोषी जी से, राजकुमार संतोषी जी से कुछ फिल्म की चर्चा हो रही थी उनसे। तो मैं तो लॉकडाउन से पहले 2000 लोगों को रोज़ एवरेज गाना सुनाता था अपने कॉन्सर्ट्स, और लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है मैं 3 लाख लोगों को रोज़ सुनाता हूँ, इतने ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स में मैं बिज़ी हूँ। कल मैंने 3 ऑनलाइन कॉन्सर्ट किए, एक कनाडा के लिए, एक ऑस्ट्रेलिया के लिए, एक लंदन के लिए, तो वहाँ हज़ारों लोग जुड़ते हैं, सुनते हैं। तो लॉकडाउन से हमने अपने काम की स्पीड बिल्कुल कम नहीं की, बल्कि रियाज़ खूब किया, प्रैक्टिस खूब की, अपना योगासन बहुत किया, एक्सरसाइज खूब की, अपनी तबीयत हेल्थ भी अच्छी कर ली, ये सारा कुछ हम कर रहे हैं। जी जी, सो सर लॉकडाउन के दौरान ऐसी कोई नई एक्टिविटीज़ जो आपने सीखी या आप लोगों को बताना चाहें? लॉकडाउन में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों को खुश रखना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ जिम में जाके एक्सरसाइज कर ली तो उससे कुछ होता नहीं, उससे डोले शोले बन जाते हैं, लेकिन माइंड संतुलित नहीं होता। तो मन को भी संतुलित करना है, आत्मा को प्रसन्न करना है, और हेल्थ भी अच्छी रहे। अगर आपके कमर में दर्द है तो गाना कैसे गाएंगे, तो शरीर में दर्द भी ना हो, शरीर फिट रहे, इसलिए योगा भी होना चाहिए, मेडिटेशन करिए, आपका मन प्रसन्न रहे, मन संतुलित रहे, और आप योगा अभ्यास करिए, आपका शरीर खुश रहे, भजन गाइए, आत्मा प्रसन्न रहे, ये सब करते हैं जी। कहीं ना कहीं सर हम ऐसा माने कि ये एक टिप्स भी है लोगों को कि कोविड से कैसा कैसे बचा जाए। हाँ, यही तो है, यही चीज़ समझिए, और खूब च्यवनप्राश खाइए, सीतोपलादी चूर्ण खाइए, सुबह हल्दी जो है वो चाय की तरह गर्म पानी में पीजिए, एक लहसुन का फांक खा लीजिए सुबह, और साथ में आंवले खाइए, नींबू खाइए, संतरे खाइए, तो बस इम्यूनिटी इतनी तगड़ी हो जाए कि कोरोना का पूरा ख़ानदान आ जाए तो आपको छू ना पाए। छू ना पाए जी, बिल्कुल। एंड सर हम देख रहे हैं क्योंकि आप बैक टू बैक काम कर रहे हैं, तो सर आप अपने घर से ट्रैवलिंग करते हैं, स्टूडियो आते हैं, माइक पर आप जो है गाना गाते हैं, तो कैसे सारे प्रिकॉशन? हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ आते हैं ना, पहले तो हाथ में ये सब सैनिटाइजर लगाते हैं, उसके बाद हम माइक में लगाते हैं, फिर हम काम शुरू करते हैं। तो यहाँ अगर जर्म है किसी के पहले जिसने गाया हो तो वो ख़त्म हो जाए। एंड सर हम लॉकडाउन के दौरान जहाँ पर आर्टिस्ट सोच रहे थे कि उन्हें कुछ काम मिले, उन्हें कुछ ना कुछ वो करे, हमने देखा लॉकडाउन में आपकी पाताल लोक आई, बहुत ही बेहतरीन सीरीज जिसमें एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर आपने किया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि पंडित दीनदयाल जी के ऊपर जो वो फिल्म आई, थोड़ा सा अगर आप बताएं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर फिल्म बनी है, और वो मैंने उसमें दीनदयाल उपाध्याय जी जब छोटे थे तो उनका टीचर का रोल किया है। कल हम सुनील ग्रोवर के शो में शूटिंग करने जा रहे हैं, परसों से हमारी और जसलीन की जो फिल्म बन रही है उसकी शूटिंग है, वो मेरी स्टूडेंट है, तो रोज़ ही कुछ ना कुछ चल ही रहा है जी। तो थोड़ा सा सर क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे उत्तर भारत की बहुत बड़ी, उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, तो जनसंघ से ही तो सब बना है, बीजेपी वहीं से तो सब आई है। तो हम जब 7-8 साल के थे तब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मिले थे, उनको भजन सुनाया था, हम भी शाखा में जाते थे, वंदे मातरम गाते थे, अटल जी के साथ खूब बचपन में हम रहे हैं,
नाना जी देशमुख जी के साथ रहे, अडवाणी जी को बहुत पहले से जानते हैं, मोदी जी, अमित जी, इन सबसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, पीयूष गोयल जी, तो सबसे हमारे बड़े प्यारे संबंध हैं। तो हम तो देश को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं बहुत आगे। जी जी, तो सर हमेशा माने कि शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब दीनदयाल उपाध्याय तो फिल्म तैयार है, सेंसर भी हो गई, अब तो वह रिलीज होनी है, तैयार है। एंड सर, इन दिनों जो हम देख रहे हैं सर, हमारे बॉलीवुड का जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो सिनारियो है, आपने तो बहुत ही करीब से देखा है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का केस आया और अब जो है ड्रग्स के ढेरों सारे मामले आ रहे हैं, कैसे देखते हैं सर आप इस जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो प्रेजेंट टाइम का जो सिनारियो, आप कैसे देखते हैं सर? ड्रग्स की सफाई होनी चाहिए और वो हो रही है, खूब पकड़े जा रहे हैं पेडलर्स, खूब चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। और जहाँ तक भाई भतीजावाद है फिल्म इंडस्ट्री में, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। अगर वो होता तो फिर अमिताभ बच्चन कहाँ से आते, शाहरुख खान कहाँ से आते, अक्षय कुमार कहाँ से आते, अंशुमन कहाँ से आते, राजकुमार राव कहाँ से आते? इसका मतलब है कि ये सब कुछ नहीं है यहाँ। अगर टैलेंट है तो आएंगे। अब देखिए पृथ्वीराज कपूर जी के बच्चों में क्या टैलेंट है कि अभी तक करीना कपूर तक काम कर रही, चौथी पीढ़ी है, तो ये तो तभी संभव है कि अंदर टैलेंट हो, डीएनए स्ट्रांग हो। और जहाँ नहीं है वहाँ वो लोग आते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, एक दो फिल्में लोग अपने बच्चों के लिए बना देते हैं, फिर रह जाता है। और अगर सिंगर्स में भी देखिए तो मंगेशकर परिवार में और कोई नहीं है। मंगेशकर परिवार ने लता जी, आशा जी, उषा जी, मीना जी सब ने गाया, हृदयनाथ जी, उसके आगे पीढ़ी में कोई नहीं है। किशोर कुमार जी का बेटे को टॉप का सिंगर होना चाहिए था, मुकेश जी के बेटे को रफ़ी साहब के टॉप का होना चाहिए था ना, अगर कुछ वो सब होता जातिवाद और भाई भतीजावाद, तो है ही नहीं, क्यों वो नहीं आ पाए। दूसरे आगे कुमार शानू कहाँ से आ गए, सोनू निगम कहाँ से आ गए? तो यही है कि टैलेंट है तो आप जम सकते हैं, नहीं तो एक दो बार आपके पिताजी चाचा जी थोड़ा कर देंगे पुश, फिर कुछ नहीं होगा। जस्टिस तो मिल रहा है, अब सब खोज चल रही है, जरा खोज हो जाए तो पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा कलाकार हमने खोया है, इसका हमें बड़ा दुख है। और अभी चल रही है खोज, अभी खोज पूरी थोड़ी हुई है, अभी तो सीबीआई ने कुछ बताया ही नहीं। सीबीआई आए, जरा जवाब दे, फिर पता लगेगा क्या हुआ। बाकी उसका बलिदान जो है उससे ड्रग्स माफिया सब पकड़े जा रहे हैं, ये हो रहा है। तो सर, क्योंकि ड्रग्स के बारे में आपने जो एक सबसे कट टू कट बात की कि ड्रग्स का सफाया हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, ये सारी बातें तो आज निकल कर सामने आ रही है, तो आप तो बहुत ही पहले से आप हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ढेरों सारे आपने भजन दिए, गीत दिए, तो आप मानते हैं कि ये पहले से चला आ रहा है लेकिन अब आज लोगों को पता चल रहा है? तो बहुत पहले से, आपने साधु संतों को नहीं देखा है चिलम पीते हुए? तो बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन अब जो ड्रग है ये बहुत हानिकारक है। वो इतनी हानिकारक नहीं हुआ करती, जो हुक्का पिया जाता था ना, इतना हानिकारक नहीं होता था। लेकिन अभी जो क्या क्या आने लगा है, मुझे तो नाम भी नहीं पता है, वो चीज़ें इंसान को पागल कर देती हैं, तो इन सब चीज़ों को बंद होना चाहिए। एंड सर, जब से आपको भजन सम्राट कहा गया, तब से आप मानते हैं कि आपकी आपके ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है? बहुत बढ़ गई है, हम उसके लिए काम भी बहुत कर रहे हैं, रोज़ रिकॉर्डिंग करते हैं, नए नए भजन गाते हैं, लोगों के पास नए नए भजन पहुंचेंगे, उनके अंदर आनंद प्राप्त होगा उनको। जी, एंड सर, क्योंकि अब बिग बॉस जो है स्टार्ट हो चुका है, आप तो बिग बॉस के पार्ट भी रहे हैं तकरीबन, जहां तक मेरा नॉलेज है 1.5 महीने तक आप? हाँ, 1.5 महीने मजे किए। फिर से सीजन 14वां सीजन स्टार्ट हो चुका है, आप बताइए आप कितना फॉलो कर रहे हैं एंड जो कंटेस्टेंट आपने देखे होंगे, कैसे आप देख पाते हैं, कैसे देखते हैं बिग बॉस सीजन 14 को? हमने कभी बिग बॉस देखा ही नहीं है, हम सिर्फ खेले हैं, ना हमने उसके पहले देखा था ना उसके बाद देखा है, हम खेले और बड़ा मज़ा आया। हमने अपने एपिसोड भी नहीं देखे, लेकिन कोई अपना बाद में भी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, कभी नहीं। हमको इस बार थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है, हमने देखा नहीं है लेकिन हमको दो लोग उसमें बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, एक तो कुमार शानू का बेटा,
हाँ, और एक राहुल वैद्या, ये दोनों बड़े अच्छे सिंगर्स हैं और ये बहुत इंटरटेन करेंगे लोगों को। राहुल वैद्या बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, बहुत ही हैंडसम है, बहुत अच्छा सिंगर है, परफॉर्मर बहुत अच्छा है, तो वो कुछ कमाल करेगा अंदर, मुझे लगता है वो जीत के भी आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो पता नहीं मैं देख पाऊंगा कि नहीं कोई भी एपिसोड, लेकिन वो दोनों हैं उसमें, मुझे इसकी बड़ी खुशी है। सलमान खान जी को कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, उनसे मुलाकात करके। सलमान जी तो आते ही थे हमको मिलने, वहाँ हमेशा बड़ी इज्जत से मिले। सलमान खान को ये कहना चाहूँगा कि इस बार बिग बॉस को कैसे करेंगे मुश्किल है, एक कमरे में सब सो नहीं सकते, मास्क लगा के प्यार नहीं कर सकते, लड़ाई वड़ाई कैसे करेंगे, दूर से करनी पड़ेगी लड़ाई, क्योंकि 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, मोदी जी ने कहा है। तो पता नहीं बिग बॉस को किस तरह से बनाएंगे, लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि ये लोग बड़े क्रिएटिव लोग हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे। जी, तो सर अगेन अगर आपको कहा जाए कि सर आप आइए थोड़ा सा इस दुनिया को फिर से एंजॉय कीजिए, मैं तो आज चला जाऊं। अच्छा, अरे बड़ा मज़ा आया था मुझे, मेरा तो 1.5 महीने का पेड हॉलीडे था, पैसे भी दिए और 1.5 महीने मुझे मज़ा कराया, तो फिर चला जाऊँगा। बहुत ही अच्छी बात सर आपने कही। एक और बात सर, जैसा कि आप हमेशा से कहते आए हैं, जसलीन जी आप और उनके जो पिताजी, आप सभी मिलकर जो है उनके कन्यादान। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमने सुना कि कुछ एक बहुत ही अच्छी साइट से आप जुड़े हुए हैं जो कि लोगों की शादियां करवाते, तो यस यस बता दीजिए उसके बेटा बेटी बेटा बेटी, यस, उसमें हम लोगों के रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, हम उनके लिए रिश्ते ढूंढेंगे, उनकी शादी करवाएंगे, और बहुत सी शादियां ऐसी कराएंगे जिनके पास पैसे नहीं है शादी करने के, उनको हम अपनी तरफ से खर्च करके उन लोगों की शादियां करवाएंगे, मुफ्त में शादियां करवाएंगे। तो अभी तक प्रोसेस वो चालू हो चुका, शुरू हो गया, हमारे पास रजिस्ट्रेशन आने शुरू हो गए। तो आजकल लॉकडाउन का पीरियड है ना, लॉकडाउन के टाइम पे सब स्लो है काम, तो जैसे ये थोड़ा और रिलैक्स होगा फिर हम इस पर काम शुरू कर देंगे। जाते आते एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमने देखा रिकॉर्डिंग आपने बहुत ही सुंदर की, तो एक अपने व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए, हाँ? जो भी आपके जो फेवरेट हो। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। क्या बात, अपने फैंस को कुछ कह दीजिए जो आपके हमेशा बेसब्री से आपके आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट और आपके गानों का बेसब्री से इंतजार रहता है उन्हें। हमारे जो फैंस हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, पिछले 50 साल से आप लोग मुझे झेल रहे हैं, थोड़ा और झेल लीजिए। हम आपके सामने नई नई चीज़ें लाते रहेंगे, पेश करते रहेंगे और आपका मनोरंजन करते रहेंगे। सर आई थिंक थोड़ा नहीं और 50 साल, 100 साल काम करना चाहते हैं। बिल्कुल करेंगे, हाँ हाँ, हम 50 साल और गाएंगे अभी। बिल्कुल जी, चलिए सर, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक यू सो मच, बुला लीजिए साहब।